हम टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री आई थिंक सरफेस केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगेगा जब आप ये पूरा टॉपिक देख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। और इस पर जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं, यदि आपने प्रॉपरली इस लेक्चर को सुन लिया है तो इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर्स, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड विल बी एबल टू गिव द आंसर्स। सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक में हम एक्चुअली सरफेस रिलेटेड फेनोमेना ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। सरफेस रिलेटेड फेनोमेना ऑफ सॉलिड्स एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जितने भी सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में होते हैं उनकी सरफेस पर प्रेजेंट पार्टिकल्स का बिहेवियर बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल्स के बिहेवियर से डिफरेंट होता है। हम अज्यूम करते हैं कि एक ये सॉलिड सब्सटेंस है। ये देखिए, अज्यूम करिए कि ये एक सॉलिड है। अब ये जो सॉलिड सब्सटेंस आप देख रहे हैं, इसमें जो पार्टिकल्स बल्क में होंगे, बल्क में प्रेजेंट एक पार्टिकल मैंने जैसे यहां रिप्रेजेंट किया, इस पर सभी डायरेक्शन में लगने वाले अदर पार्टिकल्स के फोर्सेस इक्वल होते हैं। यानी जो अंदर की तरफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है, बल्क में पार्टिकल जो प्रेजेंट होता है, उस पर फोर्सेस जो एप्लीकेबल होते हैं, दे आर ऑल बैलेंस्ड फोर्सेस। परंतु जो पार्टिकल्स सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, आप अज्यूम करिए इन सरफेस पर प्रेजेंट पार्टिकल्स को, नेचुरली जैसे बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल्स पर फोर्सेस पूरे बैलेंस्ड थे, उस तरह से सरफेस के पार्टिकल्स पर फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं होंगे। और यदि ये फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं होंगे तो इनका बिहेवियर विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन बल्क। हम उन फेनोमेना की बात करेंगे इस टॉपिक में जिसमें सरफेस पर प्रेजेंट पार्टिकल्स की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप होती है। ऑल्दो यही सारी चीजें सॉलिड की जगह हम लिक्विड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के सब्सटेंस, लिक्विड स्टेट में यदि सब्सटेंस है, उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। पर फिर भी इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस सॉलिड सरफेसेस पर होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि हम सरफेस फेनोमेना की बात करेंगे, मतलब इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस वाले पार्टिकल्स के कारण कुछ टाइप के फेनोमेना पॉसिबल होते हैं। अब वो फेनोमेना क्या है, जैसे मैंने कहा चैप्टर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इंक्लूड करता है एडसॉर्प्शन, द फेनोमेना एडसॉर्प्शन। हम यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं अभी, एडसॉर्प्शन। सेकेंड, कोलॉइड्स की बात होगी। जैसा मैं बोल रहा हूं कि सरफेस केमिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज एडसॉर्प्शन, सरफेस रिलेटेड एक फेनोमेना होता है ये। सरफेस रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर एक डेफिनेट साइज रेंज में आते हैं, जिसको हम अंडर द हेडिंग कोलॉइड्स पढ़ेंगे। तीसरा एक पार्ट होगा इसी चैप्टर के अंदर, कैटालिसिस, कैटालिस्ट्स एंड कैटालिसिस। आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं, उनका किस तरह से सरफेस रिलेटेड, ये फेनोमेना सरफेस रिलेटेड कैसे होता है, इस पार्ट को हम टॉपिक के थर्ड पार्ट में इंक्लूड करेंगे। सो दैट वे हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एडसॉर्प्शन फेनोमेना से। एडसॉर्प्शन जैसे ही टर्म हमारे सामने आती है, एक कॉमन वर्ड क्लिक होता है एब्सॉर्प्शन, एक कॉमन वर्ड क्लिक होता है एब्सॉर्प्शन, जिसको हम अच्छे से जानते हैं एब्सॉर्प्शन फेनोमेना। मैं यदि बात करता हूं कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस की, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। आप जानते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने की होती है, मॉइस्चर को रिमूव करने की होती है। मतलब यदि मैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रख देता हूं तो
ये डीह्यूमिडिफिकेशन का काम करेगा, मतलब मॉइस्चर को रिमूव करेगा। यदि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को रिमूव करता है या कहिए कि वाटर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसका एक्सेप्ट करने का जो तरीका होता है उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसे हम एक बल्क फेनोमेना बोलते हैं, क्योंकि जहां जहां कैल्शियम और क्लोराइड यूनिट्स होंगी हर जगह पर बीच में जाकर वाटर मॉलिक्यूल्स एक डेफिनेट स्टोइकियोमेट्री में फिट हो जाते हैं। कुड यू अंडरस्टैंड, मैंने वर्ड यूज किया एक डेफिनेट स्टोइकियोमेट्री में ये फिट हो जाते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं सिलिका जेल की, सिलिका जेल ये भी एक कॉमन डीह्यूमिडिफाइंग सॉलिड होता है। मतलब यदि आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में सिलिका जेल रख देते हैं तो यह भी मॉइस्चर को रिमूव करेगा। डीह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस में इसको भी यूज किया जाता है। बट यहां फ्रेंड्स एक फर्क है, वो फर्क यह है कि कैल्शियम क्लोराइड जब एनहाइड्रस आपने लिया था तो H2O यूनिट्स थ्रू आउट द क्रिस्टल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। यहां पर ऐसा नहीं होता, सिलिका जेल की केवल सरफेस पर H2O यूनिट्स ट्रैप्ड रहती है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर की यूनिट्स को एब्जॉर्ब करता है, इट इज एब्जॉर्प्शन, जबकि सिलिका जेल H2O यूनिट्स को केवल सरफेस पे ट्रैप करता है, इसे हम कहेंगे एडसॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? एक बल्क फेनोमेना, बल्क फेनोमेना। एड्सॉर्प्शन क्या होगा? सरफेस फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना। एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस एक्चुअली एट द एंड ऑफ द टॉपिक्स लिए जाते हैं, पर मैं आपको कुछ एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस इसी लेवल पे बता देता हूं। उसका रीजन ये है कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगी सोचने की, समझने की, और डेफिनेटली इसके साथ एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। एक जैसे एग्जांपल ये वाला दिया मैंने, आपको याद होगा कि जैसे हम एक वाटर बैग खरीदते हैं तो, या फिर कई सारे ऐसे नई चीजें होती है, न्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब वो हम खरीदते हैं तो उसमें एक सिलिका पाउच होता है, एक सिलिका शैशे होता है। तो ये जो शैशे होता है, सिलिका शैशे, ये एक्चुअली कंटेनिंग होता है इसके अंदर सिलिका जेल, और ये डीह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है। तो जो ह्यूमिडिटी के कारण फाउल स्मेल वगैरह पॉसिबल वहां हो सकती है, वो इसके कारण नहीं आती है। मैं आपको कुछ पर्टिकुलर कॉमन एप्लीकेशंस बता रहा हूं। शुगर जब मैन्युफैक्चर होती है, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग, तो जिस वक्त केन शुगर जूस को क्रिस्टलाइज करते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स अलग करना होते हैं, एट दैट टाइम उसमें एनिमल चारकोल मिलाया जाता है। दैट एनिमल चारकोल एडसॉर्ब्स द कलर्ड इंप्यूरिटीज, जो भी उसके अंदर इंप्यूरिटीज होती है, स्पेशली जो कलर इंपार्ट करने वाले सब्सटेंस होते हैं, वो एडसॉर्ब हो जाते हैं उस चारकोल के अंदर। एनिमल चारकोल यूज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टू दैट, आप यदि पॉल्यूशन मास्क की बात करें, एक और एग्जाम्पल, पॉल्यूशन मास्क जो होते हैं उसमें एक्टिवेटेड चारकोल का यूज किया जाता है। यह चारकोल क्या करता है कि जब इसमें से पॉल्यूटेड एयर पास होती है तो पॉइजनस गैसेस को एडसॉर्ब कर लेता है। मैं आगे आपको इसके बताऊंगा कि व्हाई ओनली पॉइजनस गैसेस। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल आपने पॉल्यूशन मास्क में यूज किया है, अब पूरी पॉल्यूटेड एयर उसके अंदर से पास हो रही है, पर जो मास्क को यूज करने वाला पर्सन है उसको पॉल्यूटेड एयर नहीं मिल रही है, उसको पॉल्यूशन फ्री एयर मिल रही है। तो वो पॉल्यूटेंट कहां गए इस बीच में? तो जो एक्टिवेटेड चारकोल उसके अंदर होता है वो एक्चुअली उन पॉल्यूटेंट्स को एडसॉर्ब कर लेता है। दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पर हम एडसॉर्प्शन फेनोमेना देखते हैं। तो वो सिलिका सैशे, ये
क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के टाइम पे ऐड किया जाने वाला एनिमल चारकोल, इसी तरह से पॉल्यूशन मास्क का यूज करते हैं तो हम उसमें एक्टिवेटेड चारकोल का यूज होना, ये सब एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू द फेनोमेना एडसॉर्प्शन। अब इस पूरे टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं फिर से एक बार, टॉपिक का इंपॉर्टेंस सिर्फ इसमें है कि ये टॉपिक एक बार सारी टर्मिनोलॉजी सुनने वाला है, क्योंकि इसमें टर्म्स पूरी आपके लिए डिफरेंट होंगी जो केमिस्ट्री में कॉमनली और कहीं हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, तो बी फैमिलियर विद द टर्म्स जो इस टॉपिक में यूज करते हैं। जब एडसॉर्प्शन होगा तो एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगा, मैं इसको फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में है और इसकी सरफेस पर एक दूसरा सब्सटेंस, सपोज वो गैस के फॉर्म में है, जो इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, मतलब जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द फेनोमेना एडसॉर्प्शन, उस पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस को मैं कहूंगा एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेंट, जो एडसॉर्ब करता है, दैट इज एडसॉर्बेंट। आप टर्मिनोलॉजी से वेल फैमिलियर हो जाइए, टॉपिक के आधे से ज्यादा हर्डल्स तो यहीं खत्म हो जाते हैं कि यदि आप टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हैं। ये सॉलिड की सरफेस पर इसने गैस को ट्रैप किया हुआ है, क्योंकि उसके सरफेस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे, कुछ अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज थी, जिसकी वजह से उसने गैस के मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लिया, तो गैस यहां पर कहलाएगी एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेंट यानी जो एडसॉर्ब करता है, एडसॉर्बेट यानी जो एडसॉर्ब होता है, राइट? अब ये फेनोमेना हुआ एडसॉर्प्शन, मतलब जब एक सब्सटेंस की सरफेस पर किसी दूसरे सब्सटेंस को वो ट्रैप कर लेता है तो उसे कहा जाता है फेनोमेना एडसॉर्प्शन। डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू सरफेस, तो हम इसको एक सरफेस फेनोमेना कहेंगे। ऑल राइट, सो एडसॉर्प्शन कैन बी डिफाइंड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, या व्हेन अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस देन द फेनोमेना इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस को ऑक्यूपाई करता है, व्हेन अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस देन द फेनोमेना इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। जो एडसॉर्ब हो रहा है दैट इज एडसॉर्बेट, जो एडसॉर्ब कर रहा है दैट इज एडसॉर्बेंट। कभी कभी एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन ये फेनोमेना क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं होते, यानी कई बार यह होता है कि सब्सटेंस बल्क में भी है, सब्सटेंस सरफेस पर भी है, दोनों तरफ है, हां लेकिन बल्क में अमाउंट अलग है, सरफेस पर अमाउंट अलग है। ऐसे केस में प्रोसेस को विदाउट अ प्रीफिक्स सिर्फ सॉर्प्शन से डिफाइन किया जाता है। सॉर्प्शन मतलब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ एसोसिएट होना, दैट इज सॉर्प्शन। तो बिना प्रीफिक्स के यदि कहा जाए सॉर्प्शन, तो ये क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं करता कि वेदर इट इज एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। हां यदि बल्क पे में जो प्रेजेंट सब्सटेंस है उसके कंपैरिजन में सरफेस पर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ज्यादा है तो आप उसको पॉजिटिव एडसॉर्प्शन कहेंगे। पॉजिटिव एडसॉर्प्शन मतलब एडसॉर्प्शन ज्यादा कंपेयर्ड टू एब्जॉर्प्शन, और नेगेटिव एडसॉर्प्शन कहलाता है जब सरफेस पर अमाउंट कम हो एज कंपेयर टू बल्क, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एडसॉर्प्शन। तो काफी कंफ्यूजिंग टर्म्स वैसे लगने लगती है, पर मेरे ख्याल से यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। दो टाइप की प्रोसेस, एक बल्क एक सरफेस, हम बात कर रहे हैं सरफेस फेनोमेना की। सरफेस फेनोमेना एडसॉर्प्शन में सॉलिड सब्सटेंस एडसॉर्बेंट है तो गैस एडसॉर्बेट है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये गैस फेज में ही होगा, इट मे बी अ लिक्विड ऑल्सो। तो इसको आप किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हैं, जैसे वॉटर वेपर्स हैं, वेपर्स को ट्रैप किया
तो ऑफ कोर्स उस केस में तो हमें गैस ही बोलना पड़ेगा, और जब दोनों टर्म्स डिस्टिंग्विश नहीं करनी हो आपको तो आप सिर्फ कहेंगे सॉर्प्शन। कंसेप्चुअल पॉइंट पर सीधे अब हम आ जाएं। डेफिनेटली जब ये प्रोसेस होगा, आई मीन एडसॉर्प्शन जब भी होगा, तो अब इसमें आपको थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सोचना है। मैं कंसेप्चुअल पॉइंट पर सीधे आ रहा हूं इस टॉपिक के, कि जब आप एडसॉर्प्शन फेनोमेना की बात करते हैं, बाकी टर्म्स को अभी हटा देते हैं हम, एडसॉर्प्शन, यदि हम एडसॉर्प्शन फेनोमेना की बात कर रहे हैं तो आप जरा सोचें थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज एंड फ्री एनर्जी चेंज एट रूम टेम्परेचर। डेल्टा जी एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। यदि आप इनके साइन डिसाइड कर लोगे तो भी आपको फ्री एनर्जी चेंज का साइन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट वाला केस भी मिल सकता है। जैसे कुछ प्रोसेस होती हैं जहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट डेल्टा जी का साइन नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट डेल्टा जी होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, इनकी बात करते हैं, और यू माइट बी एबल टू रिकॉल द टर्म्स, स्पेशली द साइन कन्वेंशन। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा एच के साइन को नेगेटिव कब बताते हैं, जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। डेल्टा जी, डेल्टा एच के साइन को हम पॉजिटिव बताते हैं जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है। अभी एडसॉर्प्शन को लेकर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं थोड़ा सा इन टर्म्स के साइन कन्वेंशन आपको रिकॉल करवा रहा हूं एक बार और। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज जो रैंडमनेस को मेजर करता है। यदि रैंडमनेस बढ़ती है किसी प्रोसेस में तो आप बोलते हैं डेल्टा एस इज पॉजिटिव, यदि रैंडमनेस कम होती है तो आप बोलेंगे कि डेल्टा एस इज नेगेटिव। डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज, इसका रिलेशन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपको याद ही होगा। यदि एक प्रोसेस का डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आता है तो ऐसे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब दे आर नॉट पॉसिबल, दे आर नॉट फिजिबल, दे डू नॉट टेक प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। डेल्टा जी का साइन जीरो होने का मतलब होता है द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी जीरो मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम है। रेट ऑफ चेंज इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। डेल्टा टी डेल्टा एस की टर्म्स में जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, यहां पर टी स्टैंड्स फॉर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक उसके हिसाब से साइन, एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी इसके हिसाब से साइन होगा, और एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर हम ओवरऑल इनके कंबाइंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। आप बताएं, सोचें आप, एडसॉर्प्शन प्रोसेस जब होगा, एक गैस सॉलिड की सरफेस पर ट्रैप होगी, सॉलिड की सरफेस ऑक्यूपाइड रहेगी किससे, गैस से, क्या लगता है क्या दोनों के बीच में कोई फोर्स डेवलप होगा? ऑफ कोर्स, कौन सा? अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव होगा ना, तभी तो ये इसको रोक कर रखेगा। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, जो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होना मतलब क्या, प्रोसेस शुड बी व्हाट, एक्सोथर्मिक, देयर शुड बी लिबरेशन ऑफ हीट इन द प्रोसेस। यदि हीट लिबरेट होती है तो डेल्टा एच का साइन क्या होता है, नेगेटिव,
डेल्टा एच इज नेगेटिव, दैट इज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. एडसॉर्प्शन फेनोमेना एक्सोथर्मिक होता है. यस, डेल्टा एस रैंडमनेस की बात करते हैं. एंट्रोपी मेजर करती है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम को. सिस्टम के पार्टिकल्स यदि ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में है तो हम बोलेंगे कि इसकी एंट्रोपी कम है, अनऑर्गेनाइज्ड है हम बोलते हैं इसकी एंट्रोपी ज्यादा है. आइए एडसॉर्प्शन के बारे में सोचें. पहले जो गैस के मॉलिक्यूल्स, पहले मतलब बिफोर एडसॉर्प्शन, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, क्या हुआ उनका एडसॉर्प्शन के बाद दे हैव कम टू द सॉलिड. पूरी सरफेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया. इसका मतलब वो एक जगह इकट्ठा हुए. एक जगह इकट्ठा हुए मतलब रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हुआ. यदि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होता है तो डेल्टा एस का साइन भी नेगेटिव आ जाएगा. दैट इज द रैंडमनेस डिक्रीजेस. रैंडमनेस डिक्रीजेस. आइए गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मूला में हम दोनों के साइन को फॉलो करते हुए बात करें. मैंने आपसे कहा था डेल्टा जी पॉजिटिव होने पर, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल यू कैन से. इफ डेल्टा जी इज जीरो इट शोज इक्विलिब्रियम. If delta G is negative, it shows the process is spontaneous. Spontaneous मतलब जो process बिना किसी external help के अपने आप होगी. दोनों का sign negative. Delta H negative, delta S भी negative. Delta G का sign क्या आएगा? Friends, it will depend on the magnitude of delta H एंड कंपेरेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस. इसमें डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो. डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो कंपेयर टू द टी डेल्टा एस मैग्नीट्यूड. टी डेल्टा एस की वैल्यू को कम रखने के लिए और डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर. मतलब यदि दोनों नेगेटिव होते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव आपको कम टेम्परेचर रखने पर मिलता है. पर यहां तो मैंने एक टर्म लिखी है डेल्टा जी एट रूम टेम्परेचर. तो हमें थोड़ा सा इस चीज को सोचना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है. आप बताइए कि आपने सिलिका जेल सैशे लिया और उसे रखा हुआ है, क्या वो मॉइस्चर को रोकने के लिए एडसॉर्ब करने के लिए लो टेम्परेचर करने पे एडसॉर्ब करेगा? नहीं, रूम टेम्परेचर ही उसके लिए वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो इजीली एडसॉर्ब कर लेता है. मतलब ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पर बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के होती है. एडसॉर्प्शन एट रूम टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होता है. कंक्लूजन है एडसॉर्प्शन एट रूम टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होता है. तो रूम टेम्परेचर पर डेल्टा जी का साइन, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है इसलिए नेगेटिव होगा. डेल्टा जी एट रूम टेम्परेचर इज नेगेटिव, दैट इज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. हां फ्रेंड्स, टेम्परेचर यदि रूम टेम्परेचर से आप बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो देयर में बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिसॉर्प्शन. डिसॉर्प्शन एडसॉर्प्शन के अपोजिट टर्म को बोलते हैं. यदि ये सब्सटेंस इसकी सरफेस को छोड़कर चला जाए तो हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन हुआ है. तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस होती है वो हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं होती है, या बोलिए कि जो एडसॉर्प्शन हुआ है
उसका अपोजिट फेनोमेना स्टार्ट हो जाता है, वो एस्केप होने लगते हैं पार्टिकल्स. द कंक्लूजन हैज कम फ्रेंड्स, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी एट रूम टेम्परेचर, तीनों के साइन नेगेटिव होते हैं. कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट. एडसॉर्प्शन में कोई लॉजिकल क्वेश्चंस बनाना हो तो सबसे पहली एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है. आगे बढ़ते हैं. यहां एक बात हो रही थी, यदि आपने ध्यान दिया हो, मैंने कहा कि यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. किस बेसिस पर कहा मैंने? मैंने इस बेसिस पर कहा कि इस गैस को इस सॉलिड ने रोक के रखा है, तो कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में डेवलप हुआ है. यदि कोई अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में डेवलप हुआ है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, ये रिलेट किया था हमने. अब यदि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? का मैग्नीट्यूड हमें इस बात से समझ में आएगा कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है. यानी जब यह सब्सटेंस इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई करता है तो जो लिबरेटेड हीट होती है वो किस ऑर्डर में होती है, कितनी वैल्यू से हीट लिबरेट होती है. इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जो एडसॉर्प्शन फेनोमेना है इसमें दो टाइप के फेनोमेना देखे जाते हैं. कभी कभी ये लिबरेट होने वाली हीट कुछ फिजिकल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब दोनों के बीच में एक बहुत वीक अट्रैक्शन डेवलप हुआ, मोस्टली ये पता लगता है. और एडसॉर्प्शन के कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जहां यह पता लगता है कि जो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच का अट्रैक्शन है, इट इज लाइक केमिकल बॉन्ड्स, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग हुआ हो. इस ऑर्डर की हीट लिबरेट होती है, इतनी अमाउंट में हीट लिबरेटेड बताता है वो फेनोमेना. मोस्टली क्या होता है? मोस्टली जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इतनी प्रोसेस एक्सोथर्मिक रखता है कि जिससे हमें पता लगता है कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन पुअर है, वीक है, जिसको आप वेंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस बोलते हो. कुछ लिमिटेड प्रोसेस में देखा जाता है कि एडसॉर्प्शन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हुई है. तो इसी बेसिस पर अब हम एडसॉर्प्शन की दो कैटेगरीज बनाने जा रहे हैं.